Assalamualaikum dear students, welcome back. We are back with our third lecture on reproduction in flowering plants. तो आज का जो lecture है बेटा वो है, जैसा कि आप कल भी मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, कल भी आपके साथ discuss हुआ है, तो मुझे बताइए कल हमने बोला था कि जो pollen grains होते हैं, अगर आपको याद होगा फिर से थोड़ा रिकैपिटुलेशन पर जाते हैं, एक मिनट का ज्यादा नहीं। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, हाँ टेक्स्ट बुक में एक पहले एक चीज इनके बारे में लिखा हुआ है बेटा, पोलन ग्रेन्स के बारे में, सॉरी पोलन ग्रेन्स के बारे में एक चीज लिखा हुआ है कि दे आर वेरियस शेप्स, इनके अलग अलग तरीकों के शेप्स होते बेटा। जो सबसे कॉमन शेप है बेटा, दे आर जनरली स्फेरिकल, याद रखना बेटा, कल मैं आपको बताना भूल गया था। Pollen grains come in the various shapes and the most common shape of the pollen grains is spherical beta. और टेक्स्ट ने लिखा है कि जो इनका साइज होता है, इनका डायमीटर जो होता है वो होता है 25 to 50 micrometers. तो ये हो गए इनके डायमेंशन, यानी कि पोलन ग्रेन इन डायमेंशन के होते हैं 25 to 50 micrometers और स्फेरिकल इन आउटलाइन होते हैं। तो पोलन ग्रेन्स की बातें जब हम कर रहे थे कल बेटा, तो उसमें हमने बोला था कि पोलन ग्रेन्स आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय, शाबाश, पोलन ग्रेन्स आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय टू लेयर वॉल, अगर आपको याद होगा। उस टू लेयर वॉल को हमने बोला था बेटा जी स्पोरोडर्म, शाबाश, उस टू लेयर वॉल को हमने बेटा कल बोला था स्पोरोडर्म। और स्पोरोडर्म में जो आउटर वॉल होता है और एक वॉल होता है बेटा इनर वॉल, यानी कि पोलन ग्रेन का एक आउटर वॉल होता है, माइक्रोस्पोर का आउटर वॉल होता है, दूसरा इसका इनर वॉल होता है। कल का रिकैपिचुलेट हो रहा है थोड़ा सा। आउटर वॉल इज मेड अप, शाबाश, आउटर वॉल इज कॉल्ड एज एक्साइन, शाबाश बेटा। आउटर वॉल को क्या बोलते बेटा जी, एक्साइन। इनर वॉल को क्या बोलते बेटा, इंटाइन, शाबाश बेटा। तो ये हमने कल भी आपको बोला था कि पोलन ग्रेन के दो वॉल लेयर्स होते हैं, आउटर वॉल लेयर को एक्साइन कहा जाता है, इनर वॉल लेयर को बेटा जी इंटाइन कहा जाता है। जरा बताइए बेटा एक्साइन किस चीज का बना होता है, कल मैंने बोला, शाबाश सब लोग, मैं आपका रेस्पॉन्स नोट कर रहा हूं बेटा, एक्साइन किस चीज का बना होगा, शाबाश एवरीबॉडी, एक्साइन किस चीज का बना होता बेटा, शाबाश। तो एक्साइन कल मैंने बोला था, एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, कल की बात है बेटा, स्पोरोपोलेनिन का बना होता है बेटा। पहले चलिए हम इसी लेयर को और थोड़ा सा बोलते हैं कि स्पोरोपोलेनिन के बारे में मैं बोल चुका हूं, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल नोन, टफेस्ट बायोलॉजिकल मटेरियल होता है बेटा, वेरी रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल है, रेजिस्टेंट स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कलीज, एंजाइम्स, टेम्परेचर, यूवी रेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नो एंजाइम इज नोन विच कैन डाइजेस्ट दिस स्पोरोपोलेनिन, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, इस पर क्वेश्चन है। या जो एक्साइन है, एक्साइन के बारे में मैंने ये भी आपको बात समझाई थी कि एक्साइन जो होता बेटा, शाबाश, टैक्सोनॉमिक इंपॉर्टेंस का होता है, ठीक है ना। तो ये कल हमने एक्साइन के बारे में बातें की हुई है। हां एक और बात जो आज मैं आपके साथ बेटा डिस्कस करना चाहूंगा एक्साइन के बारे में, एक्साइन के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा जो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा वो है, सुनिए इधर, अगर बेटा मैं बता दूं एक चीज बेटा, ये जो एक्साइन होता है ना बेटा, एक्साइन कंटिन्यूअस वॉल लेयर नहीं होता बेटा। सर वो क्या मतलब है, देखिए ये अगर एक्साइन है, अगर ये ऐसे होता एक्साइन तो हम कहते हैं एक्साइन इज ए कंटिन्यूअस लेयर, अगर ऐसा होता, मगर बेटा वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सर फिर क्या होता है कि कई कई जगह पर आप क्या देख रहे बेटा, एक्साइन में जो स्पोरोपोलेनिन होता है वहां वो एब्सेंट होता है या बहुत ही थिन होता है, तो वहां पर क्या बोलेंगे हम बेटा, जैसे ये यहां से मैं एक बार एक और बार ड्रा कर रहा हूं, और यहां से बेटा जी एक और बार ड्रा कर रहा हूं बेटा, इधर सुनिए, देखिए इधर, तो आप क्या देख पा रहे बेटा, ये एक्साइन है, तो ये जो एक्साइन है बेटा, यहां पर मैं आपको एक और बार फिर और बार बता रहा हूं बेटा कि एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, यानी कि इसमें डिसकंटिन्यूटी है, कई कई पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता बेटा, और वहां स्पोरोपोलेनिन की एब्सेंस की वजह से बेटा, या स्पोरोपोलेनिन काफी थिन होता है या एब्सेंट ही होता है, और वहां एब्सेंट होने की वजह से क्या होता बेटा, एक एपर्चर सा रहता है एक्साइन में, एक्साइन कंटिन्यूअस नहीं होता बेटा,
कई कई जगहों पर एक्साइन में स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, और स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होने की वजह से कभी कभार क्या होता बेटा, जो एक्साइन वॉल होता है इसमें एपर्चर होता है, कभी कभार नहीं बेटा हर बार, हाँ इसमें पोलन ग्रेन के एक्साइन में एपर्चर्स होते बेटा या ओपनिंग्स होते हैं, याद रखो। तो एक बार फिर बेटा मुझे आप बताइए, क्या एक्साइन कंटिन्यूअस लेयर है कि डिसकंटिन्यूअस? मैं आपका रिस्पांस नोट करने जा रहा हूं बेटा, क्या एक्साइन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है? बेटा डिसकंटिन्यूअस लेयर है, क्योंकि कई कई पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, जहां स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है बेटा वहां एपर्चर्स रहते बेटा या वहां ओपनिंग्स रहते हैं, और वो जो एपर्चर्स या ओपनिंग्स होते हैं ना बेटा, या तो ये एपर्चर्स या ओपनिंग्स कभी कभार ऐसे सर्कुलर फॉर्म में होंगी, सर्कुलर होंगे बेटा, या कभी कभार ये क्या होंगे बेटा, हां लेंस लाइक होगी, ऐसे लेंस लाइक ओपनिंग होगी बेटा, ओपनिंग होगी। अब ओपनिंग के ओपनिंग किस तरीके से होगी, या तो ओपनिंग बिल्कुल सर्कुलर होगी बेटा, या तो ओपनिंग क्या होगी बेटा, एक लेंस लाइक या एक इलोंगेटेड ओपनिंग होगी। अब अगर ये जो होता है ना बेटा, अगर ये बिल्कुल सर्क्यूलर होगा तब इसको जर्म पोर कहा जाता है, जर्म पोर। और अगर ये थोड़ा सा स्लिट लाइक होगा या इलोंगेटेड होगा या लेंस लाइक होगा तो उसको कॉल्पी भी कहते हैं बेटा। तो जर्म पोर और कॉल्पी ये सिनोनिमसली आप यूज कर सकते बेटा, क्या आप यूज कर सकते बेटा जर्म पोर और कॉल्पी, बस दोनों क्या रिप्रेजेंट करते बेटा, दोनों ओपनिंग्स को ही रिप्रेजेंट करती है। ओपनिंग्स कहां पर होती है बेटा, ओपनिंग्स एक्साइन वॉल में होती है, हां अगर सर्कुलर होगा तो जर्म पोर कहेंगे, और अगर इलांगेटेड होगा बेटा तो कॉल्पी कहेंगे बेटा। तो ये हो गया कि एक्साइन में अपर्चर से ओपनिंग्स होती है, जर्म पोर कहलाता है बेटा जी, या कॉल्पी कहलाता बेटा। अब आपको पता है बेटा जी ये जो एक्साइन होता है, एक्साइन के बाद तो जरा इधर इधर बेटा, लास्ट मिनट में एक्साइन की ओर दे रहा हूं, लास्ट मिनट सुनिए बेटा। एक्साइन क्या ये थिन होगा कि थिक? थिक होगा बेटा, एक्साइन इज ए थिक लेयर, एक्साइन इज ए टफ लेयर, टफ लेयर होती है बेटा, थिक होती है, टफ होती है बेटा। अरे समझ रहे हैं आप, कंटिन्यूअस होती है कि डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस, शाबाश बेटा। बनी किस चीज की होती है? स्पोरोपोलिनिन, शाबाश बेटा। इसमें पोर्स होते हैं या ओपनिंग्स होती है, उनको क्या बोलते बेटा, जर्म पोर्स, या इनको हम कहते बेटा कॉल्पी। ये आप याद रखें बेटा। तो यहां तक ये एक्साइन की बातें होगी, एक्साइन इज थिक, हार्ड, टफ, डिसकंटिन्यूअस, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिन, इट कंटेन्स सम ओपनिंग्स, ओपनिंग्स आर कॉल्ड एज जर्म पोर्स और दे आर कॉल्ड एज कॉल्पी। तो ये यहां पर बेटा एक्साइन के बारे में याद रखना है। अब आप बोलेंगे सर व्हाई दीज पोर्स आर प्रेजेंट, ये पोर्स क्यों होते हैं? अच्छा बेटा वो अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन बेटा एक बार फिर आप समझ लीजिए कि एक्साइन के अंदर जो दूसरा वॉल लेयर होता है पोलन ग्रेन का, वो होता है बेटा इंटाइन। ऐसे बता रहा हूं बेटा जी, ये क्या था, ये था एक्साइन और ये इनर वॉल लेयर है, ये इंटाइन है। इंटाइन के बारे में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा बेटा, ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल याद रखो। इंटाइन क्या है, पहले इनर वॉल लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन, इनर वॉल लेयर, शाबाश बेटा, इनर वॉल लेयर। अगर देखा जाए दिस इज थिन एंड सॉफ्ट लेयर, थिन और सॉफ्ट होती है बेटा, फ्लेक्सिबल लेयर होती है बेटा, सॉफ्ट होती है, इन थिन होती है, इन कंपैरिजन टू दिस व्हाट वी कॉल्ड एज एक्साइन, ये काफी थिन होती है बेटा, सॉफ्ट होती है, या हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल हो सकती है। हां ये बनी होती है पैक्टोसेलुलोज की, ये बनी होती है बेटा पैक्टोसेलुलोज की। इस बात को बेटा ध्यान से देख लो कि ये जो इंटाइन होता है, इंटाइन बना होता है बेटा किस चीज का, पैक्टिन प्लस सेलुलोज का, इसीलिए पैक्टोसेलुलोजिक नेचर का होता है। एक्साइन किसका होता है, स्पोरोपोलिन का, इंटाइन किसका बना होता है बेटा, पैक्टोसेलुलोज का, थिन और सॉफ्ट होता है, इनर वॉल लेयर होता है बेटा। हां अब सर ये एक्साइन में जर्म पोर्स क्यों है, जब हम आपको बेटा जी पोलन जर्मिनेशन पढ़ाएंगे, यानी कि जब हम पोलन ग्रेन को सिटिकमा तक ले जाएंगे, सिटिकमा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट करता है बेटा, और पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको हम कहते हैं पोलन ट्यूब। यानी कि यह जो इंटाइन होता है, इंटाइन का काम होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब।
अरे याद रखो बेटा, इंटाइन जो है, इंटाइन का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब बनाता है बेटा, पोलन जर्मिनेशन के समय पोलन ट्यूब बनाता है, और ये पोलन ट्यूब जो बाहर आता है बेटा, ये जर्म पोर के थ्रू आता है। यहां मेरे बच्चों को ये चीज क्लियर हो गया कि जर्म पोर का काम क्या है। जर्म पोर का काम यह होता है बेटा कि पोलन जर्मिनेशन के समय पर इसके थ्रू बाहर आ जाता है बेटा पोलन ट्यूब। तो इसको हम कहते हैं बेटा फंक्शन ऑफ द जर्म पोर। यहां तक ठीक है बेटा। अगर हम डाइकॉट्स की बात करेंगे, आपको पता है एंजियोस्पर्म्स की, आप जब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स तो दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं बेटा। वन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट्स, वन इज कॉल्ड एज मोनोकॉट्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन में हम कभी कहते हैं, चले पहले डाइकॉट की बात करेंगे, हम कहते हैं कि डाइकॉट पोलन ग्रेन्स, जो डाइकॉट्स के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, दे आर ट्राइकॉल्पिड। अरे उससे क्या मतलब होता है कि डाइकॉट का अगर पोलन ग्रेन देखोगे उसमें तीन कॉल्पी प्रेजेंट होते हैं। जो डाइकॉट के पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें कितने पोलन ग्रेन्स होते बेटा, तीन कॉल्पी। और जो मोनोकॉट्स होते बेटा उनके पोलन ग्रेन्स होते हैं मोनोकॉल्पिड। अगर याद रहा तो अच्छी बात है कि जो मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन होते हैं उनमें एक ही कॉल्पी प्रेजेंट होता है, और जो डाइकॉट्स के पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ट्राइकॉल्पिड होते हैं। तो इस तरीके से आपका यहां पर खत्म हो गया बेटा, शाबाश, आपका खत्म हो गया क्या पोलन ग्रेन का जो वॉल है यानी कि स्पोरोडर्म जो है बेटा वो आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहां पर एक न्यूक्लियस होगा और यहां पर साइटोप्लाज्म होगा। अच्छा मैम बेटा, आगे जाने से यहां पर आपको दो क्वेश्चन पूछूंगा। यहां पर जो हमारे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हुए उमर साहब, उमर साहब आपका रेस्पॉन्स है वो मुझ तक पहुंचाएगी। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं बेटा, तीन सवाल पूछूंगा, तीनों सवालों का जवाब नोट करके दोगे और वो मुझ तक पहुंचेगा। अगर मैं कहूंगा पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, चलिए बेटा जल्दी, पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉसिल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वॉट, यस स्पोरोपोलेनिन। उमर साहब ने अब तक मुझ तक आपका जवाब पहुंचा दिया बेटा। दूसरा जो मैं आपको बताता हूं बेटा, जर्म पोर जो है, जर्म पोर एक्साइन में होता है कि जर्म पोर इंटाइन में होता है, बता दीजिए बेटा, जर्म पोर कहां पर होता है बेटा, एक्साइन में होता है कि इंटाइन में होता है बेटा, एक्साइन में होता बेटा, शाबाश। इंटाइन किस चीज का बना होता है, पैक्टिन प्लस सेल्युलोज का बना होता है, पैक्टोसेल्युलोज का बना होता है बेटा। तो इस तरीके से स्पोरोडर्म आपने बेटा कंप्लीट कर दिया। अब वापस थोड़ा सा आपसे बेटा जुड़ जाते हैं, प्लीज आप ध्यान से ये याद रख लीजिए ये इन चीजों को कि जो हम आप तक बेटा पहुंचा रहे हैं, प्लीज एंड प्लीज बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस, शाबाश बेटा। सब टेक्स्ट के लाइंस है, एक टेक्स्ट की लाइन है बेटा, एक्साइन एग्जिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरिया पैटर्न्स एंड डिजाइन्स, कल भी बोला था मैंने। अच्छा बेटा, अब यहां पर मैं आपको एक चीज खत्म करके दूंगा, वो है, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उस टाइम मैं इनिशियली मैं आपको ज्यादा वो समझाया नहीं था उस टाइम, क्योंकि मैंने बोला था आपको आगे मैं आपको बता दूंगा, सुनो इधर मेरी बात। ये आपको पता है, ये है एंथर, ये एंथर के अंदर बेटा, शाबाश, ये एंथर के अंदर है पोलन सैक्स। पोलन सैक्स के अंदर क्या बना बेटा जी, पोलन सैक्स के अंदर बना बेटा, शाबाश, पोलन सैक्स के अंदर बना बेटा पोलन ग्रेन। अब जब पोलन ग्रेन बन गए बेटा, क्योंकि ये वॉल लेयर के एसोसिएटेड है तो ये चीज आपको समझाऊंगा। अब पोलन ग्रेन को एंथर में ही रहना है कि बाहर भी निकलना है बेटा, बाहर भी निकलना है, अरे यार पॉलिनेशन के लिए इनको जाना है, पोलन ग्रेन को पॉलिनेशन के लिए जाना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा डेही सेंस ऑफ एंथर। डेही सेंस ऑफ एंथर में आपको समझा दूंगा बेटा, डेही सेंस ऑफ एंथर समझाने के लिए बेटा मैं यहां पर आपको एक डायग्राम भी बता दूंगा, तो सुनिए इधर मेरी बात। ये जो डायग्राम है सुनो इधर, अगर मैच्योर पोलन मैच्योर एंथर को देखिएगा, मैच्योर एंथर प्लीज इसको देख लीजिए, मैच्योर एंथर में आपको एक तो ये चीज नजर आ रहा है बेटा, दिस इज एपिडर्मिस, प्लीज एंड प्लीज नोट दिस डाउन, इस पर सवाल आ चुका है बेटा, मैच्योर एंथर की बात कर रहा हूं। अगर आप यंग एंथर की बात कर रहे थे बेटा, वहां चार तरीके के लेयर्स होते थे, फोर टाइप्स ऑफ वॉल लेयर्स होती थी वहां, एपिडर्मिस होता था, एंडोथीशियम होता था, मिडल लेयर्स होते थे, टैपिटम होता था। लेकिन बेटा जी अगर मैं मैच्योर एंथर की बात करूंगा, मैच्योर एंथर उसमें आपको एक तो केवल एपिडर्मिस दिखेगा, और एपिडर्मिस के बाद यह जो व्हाइट कलर आपको दिख रहा है बेटा, यह एक लेयर मिलेगी जिसको हम कहेंगे बेटा एंडोथीशियम।
एंडोथीशियम बेटा, यानी कि मैच्योर एंथर में ना ही आपको टैपिटम नजर आएगा और ना ही आपको वॉल लेयर नजर आएगा, क्योंकि एक बार सवाल पूछा गया, इसलिए मैं अपने बच्चों से यह चीज डिस्कस कर रहा हूं। अगर मैच्योर एंथर देखोगे, मैच्योर एंथर में वॉल लेयर्स कितने होंगे, चार की दो सिर्फ, कौन कौन, एक होगा बेटा जी एपिडर्मिस आउटर वॉल लेयर और दूसरा होगा एंडोथीशियम। क्योंकि मैं उस टाइम भी आपको बोला था कि मिडल लेयर्स की जो सेल्स होती है, जार एपिहेमरल, जार वेरी शॉर्ट लिव्ड, उनमें फूड मटेरियल स्टोर होता है और वो फूड मटेरियल वो ट्रांसपोर्ट करते हैं टैपिटम के अंदर। अब मैच्योर पोलन ग्रेन बन गए हैं बेटा, अंदर आप दिख रहे हैं डायग्राम में पोलन ग्रेन बन गए हैं जो मैंने पिंक कलर से दिखाए हैं। अब टैपिटम का भी जो है, टैपिटम का जो काम करना था वो उसने कर दिया, यानी कि मैच्योर एंथर में टैपिटम का भी काम नहीं है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन में उसका रोल था, स्पोरो माइक्रोस्पोरो जेनेसिस में टैपिटम का रोल था, लेकिन वो चीजें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, पोलन ग्रेन बन चुके हैं, टैपिटम का भी कोई रोल नहीं बनता बेटा। तो मैच्योर एंथर में आपको कौन कौन से लेयर नजर आएगी, एक एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथीशियम। ओके बेटा जी, अब आप इन प्लीज इस वाली जो व्हाइट कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं, यह है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में आप ऐसे फाइबर्स देख रहे हैं, एंडोथीशियल सेल्स में ऐसे आप फाइबर्स देख रहे हैं, और ये जो फाइबर्स है बेटा ये होते हैं अल्फा सेल्युलोजिक फाइबर्स, ये अल्फा सेल्युलोज के फाइबर्स होते बेटा प्लीज। और यहां पर बेटा ये जो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ आप एंथर देख रहे बेटा, यहां पर आप एक, आपको यहां एक ग्रू नजर आता है, यहां पर भी और यहां पर भी आपको एक ग्रू नजर आता है, यानी कि एक डिप्रेशन या इनकर्विंग एक नजर आती है, और इसको कहा जाता है सिटोमियम, इसको कहा जाता है बेटा जी सिटोमियम। यहां से भी इस लोब में भी आपको सिटोमियम नजर आएगा, सिटोमियम यहां पर भी नजर आएगा, सिटोमियम बेटा यहां पर भी नजर आएगा। ये मैं प्लीज बेटा ये आपको समझाना चाहता हूं, सिटोमा का मतलब होता है ओपनिंग या माउथ। देखिए क्या है मामला, क्या है सुने इधर, जब मैच्योर होता है पोलन ग्रेन, अब इसकी डिहिसेंस होनी है, डेहिसेंस की टाइम क्या होता है बेटा, जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस शिवल्स ऑफ, ये खत्म हो जाता है बेटा, यानी कि मैच्योरिटी पर एपिडर्मिस पर भी अब जब डेहिसेंस की बारी आएगी, अब एपिडर्मिस भी चला जाएगा। मैंने आपको बोला इसके बाद कौन सा लेयर एक्सपोज हो जाएगा, इसके बाद जो लेयर एक्सपोज हो जाएगा वो होगा एंडोथीशियम। एंडोथीशियम में क्या होगा बेटा, इसमें एंडोथीशियल सेल्स में अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, और ये जो अल्फा सेलुलोज फाइबर्स होते हैं बेटा ये होते हैं हाइग्रोस्कोपिक, प्लीज इसको समझो, यानी कि ये मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग होते बेटा। अब सुनो इधर, एक एंडोथीशियम सेल को मैं बाहर निकाल के आपको दिखाता हूं, एक एंडोथीशियल सेल को, लेकिन यहां देखिए बेटा, अगर आप ये जो ग्रू है सिटोमियम, यहां आप एंडोथीशियल सेल्स जो देख रहे हैं इनमें अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स एब्सेंट होंगे, यानी कि यहां पर इस ग्रू, ये जो ग्रू आप देख रहे हैं बेटा, यहां पर पे जो एंडोथीशियम की सेल्स होंगी, इसको समझो, एंडोथीशियल सेल्स जो ग्रू में प्रेजेंट होती है उनमें कोई अल्फा सेलुलोज फाइबर की थिकनिंग नहीं होती है, वो थिन वॉल्ड होती है बेटा, उनका थिन वॉल होता है, उनमें अल्फा सेलुलोज फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते। पहले आप बताइए मुझे अल्फा सेलुलोज फाइबर्स कहां प्रेजेंट होते बेटा, मैं आपको एक सेल बाहर निकाल के दूंगा, ये देखो बेटा, ये मैं आपको एक एंडोथीशियम सेल दिखा रहा हूं, ये मैं आपको एक एंडोथीशियम सेल दिखा रहा हूं। चलिए इधर सुनिए बेटा, प्लीज एंड प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आपको बेटा जी यह समझना है। यह एंडोथीशियम की कुछ सेल्स मैंने यहां दिखाई, इन पे रेडियल वॉल्स पर, यानी कि ये वॉल और ये वॉल रेडियल वॉल, इन पर किसकी थिकनिंग होती है, अल्फा सेलुलोज की, इन पे अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग होती है। अल्फा सेलुलोज क्या होता है बेटा, हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि जब ये एक्सपोज हो जाएगा एपिडर्मिस बार से, जो था एपिडर्मिस आउटर वॉल, यह है बेटा आउटर वॉल, यानी कि ये एंडोथीशियल सेल्स का वो वॉल है जो एपिडर्मिस की ओर होता है, इन पे कोई अल्फा सेलुलोज की थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती है बेटा। अब अल्फा सेलुलोज थिकनिंग यहां से होती है और रेडियल वॉल्स पर होती है, इनर वॉल्स और रेडियल वॉल्स पर होती है बेटा। अब यह क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, अब यह हाइग्रोस्कोपिक है बेटा। जब, मगर याद रखना है, जो सिटोमियम, यानी कि ये जो सिटोमियम है बेटा, ये जो इन इनवर्ड, ये जो डिप्रेशन है बेटा, इस डिप्रेशन में आप जो देख रहे हैं बेटा, ये जो एंडोथीशियम सेल्स है इनमें कोई अल्फा सेलुलोज फाइबर्स नहीं है, ये थिन वॉल्ड है, ये हाइग्रोस्कोपिक नहीं होती बेटा। आप देखो क्या होता है मैच्योरिटी पर, मैच्योरिटी पर यह चीज होता है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा मैच्योरिटी पर क्या होगा, ये एपिडर्मिस जो है बेटा ये श्रिवल ऑफ हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, और ये एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर। मुझे बताओ मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर, ये एब्जॉर्ब करेगा मॉइस्चर, कौन एब्जॉर्ब,
कौन से वॉल्स एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर? जिनमें अल्फा सेलुलोज के फाइबर्स होंगे। लेकिन इनमें आप क्या बोल रहे बेटा, ये जो है ये डिहाइड्रेट हो जाएंगे, क्योंकि जब इस पर लाइट पड़ेगी इनकी डिहाइड्रेशन होगी और इनमें मॉइस्चर भी प्रेजेंट नहीं होगा। जब आउटर वॉल्स की डिहाइड्रेशन हो जाएगी बेटा, वो श्रिंक हो जाएंगे। श्रिंक होने की वजह से क्या होंगे बेटा, वो जो आउटर वॉल्स है वो ऐसे कनकेव होने लगेंगे बेटा, वो ऐसे कनकेव होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा बेटा, ये क्या होने लगेंगे, शाबाश, कनकेव होने लगेंगे। सुनो इधर मेरी बात, ऐसे हो जाएगा कुछ यूं, कुछ एंडोथीशियम सेल्स पर, इधर सुनो बेटा, इधर ऐसे। तो यहां अभी तक जो आउटर वॉल था, जो आउटर वॉल था बेटा, इसका सरफेस एरिया आप देखो कितना था, इसका सरफेस एरिया इतना था, लेकिन इनमें मॉइस्चर आ गया, इनमें तो मॉइस्चर है क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है बेटा, और आउटर वॉल पे ऐसा कुछ है ही नहीं, हाइग्रोस्कोपिक नहीं होंगे बेटा आउटर वॉल। आउटर वॉल्स में क्या होगा बेटा, जब वो वाटर लॉस करेंगे वो श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक होकर वो कनकेव बनेंगे। जब वो कनकेव बनेंगे बेटा, प्लीज इसको नोट कर लेना, जब ये कनकेव बनेंगे तो इनमें एक पुलिंग फोर्स डेवलप होगा, एक ऐसा पुलिंग फोर्स, एक टेंशन डेवलप होगा। अब देखो बेटा, यहां से भी एक टेंशन डेवलप हो रहा है, एक पुलिंग फोर्स अंदर की ओर खिंचाव आ रहा है बेटा, यहां से भी अंदर की ओर खिंचाव आ रहा है। ये खिंचाव बर्दाश्त ये सिटोमियम में जो सेल्स है कर नहीं पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये थिन वॉल्ड होते, तो यहां से एंथर क्या होगा बेटा, यहां से एंथर रप्चर होगा और पोलंग्रेन्स बाहर आएंगे, इस तरीके से पोलंग्रेन्स बाहर आएंगे। तो ये मैंने आपको सिखाया कि जो एंडोथीशियम होता है, एंडोथीशियम का रोल होता है किस चीज में, एंडोथीशियम का रोल होता है इन द डिहीशन ऑफ द एंथर, क्योंकि सिटोमियम में, सिटोमियम में जो ग्रो होता है दो पोलन सैक्स के दरमियान, उनमें जो सिटोमियम होगा बेटा, उनमें कोई क्या नहीं प्रेजेंट होगा बेटा, शाबाश, उनमें, वेरी गुड, उनमें बेटा अल्फा सेलुलोज प्रेजेंट नहीं होगा, और उन्हीं के थ्रू क्या हो जाएगी बेटा, डिहीशंस। तो इस तरीके से आपने डिहीशंस ऑफ पोलंग्रेन भी सीखा, और डिहीशंस में जो रोल प्ले करती है बेटा, वो रोल जो प्ले करती है बेटा, वो एंडोथीशियम प्ले करती है। ओके, तो अभी यहां पर देख लीजिए बेटा, यहां पर आप देख लीजिए, ये जो ग्रु है ये पूरा नजर आता है। देखो ये तो ट्रांसवर्स सेक्शन काट लिया आपने, लेकिन ये जो ग्रु होता है बेटा, ये पूरा लेंथ वाइज नजर आता है, यहीं से बेटा डिहीशंस होती है। तो यहां से डिहीशंस ऑफ एंथर होती है बेटा। अब पोलन ग्रेन के रिलेटेड कुछ टर्म्स है बेटा, वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बेटा। पोलन ग्रेन के साथ कुछ टर्म्स टेक्स्ट में लिखी हुई है, वो आप तक पहुंचाई जाएगी बेटा। तो पहला मैं आपको जो कहूंगा वो है पोलन एलर्जी। टेक्स्ट के रिलेटेड, टेक्स्ट के अंदर आपकी एक लाइन लिखी हुई है पोलन एलर्जी। तो पहले इस पोलन एलर्जी को बेटा पढ़ के देखते हैं कि ये पोलन एलर्जी होता क्या है। पोलन, कुछ प्लांट्स के पोलन ग्रेन्स जो कुछ एनीमोफिलस प्लांट्स होते हैं, जो कुछ एनीमोफिलस प्लांट्स होते बेटा, यानी कि वो प्लांट्स जिस जिनमें पॉलिनेशन होती है विंड के थ्रू, वो प्लांट्स जिनमें विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है बेटा, उनको कहते हैं बेटा एनीमोफिलस प्लांट्स। जो एनीमोफिलस पोलन ग्रेन्स होते हैं, जो एनीमोफिलस पोलन ग्रेन्स होते बेटा, दे आर लाइट वेटेड, ये बहुत हल्के होते हैं। कौन? एनीमोफिलस पोलन ग्रेन्स बहुत हल्के होते बेटा, दे रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर। एनीमोफिलस पोलन ग्रेन्स रिमेन सस्पेंडेड इन द एयर, पहले याद रखो। एनीमोफिलस पोलन ग्रेन्स कौन होते हैं? वो पोलन ग्रेन्स बेटा जिनको पॉलिनेशन कराता है कौन? विंड। और विंड के जो, विंड के थ्रू जो पॉलिनेट होंगे वो पोलन ग्रेन्स हमेशा लाइट वेटेड होते हैं, और कुछ समय के लिए हवा में क्या होते हैं बेटा? सस्पेंडेड। अब कुछ जो एनीमोफिलस प्लांट्स है, अब जो कुछ एनीमोफिलस प्लांट्स है बेटा, उनके जो पोलन ग्रेन्स है वो एलर्जिक है, और उनको कहा जाता है बेटा एरो एलर्जिन्स। याद रखो, कुछ एनीमोफिलस प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एलर्जिक होते हैं, और एलर्जिक पोलन ग्रेन्स को हम कहते हैं एरो एलर्जिन्स। और जब वो हवा में रहेंगे, जब उनको इनहेल किया जाएगा बेटा, इनहेलेशन पर क्या होता है, जब हम इनको इनहेल करते बेटा, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचते हैं, और रेस्पिरेटरी सिस्टम तक पहुंचने के बाद बेटा वो एलर्जीज कॉज करते हैं, और इनको, उस एलर्जी को बेटा कहते हैं पोलन एलर्जी। किसको कहते हैं बेटा पोलन एलर्जी?
एनिमोफिलस प्लांट्स, सब एनिमोफिलस प्लांट्स के नहीं बेटा, कुछ एनिमोफिलस प्लांट्स के पोलन ग्रेन हवा में सस्पेंडेड रहते हैं। सस्पेंडेड रह गए तो बेटा, सस्पेंडेड रहने की वजह से उनको लोग इनहेल करते हैं, इनहेल करने की वजह से बेटा वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हमारे लंग्स तक पहुंच जाते हैं बेटा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाते हैं और वहां कुछ एलर्जीज काज करते हैं बेटा, समझ रहे बेटा। और वो एलर्जी जो पोलन ग्रेन्स की वजह से होगा उसको कहते हैं पोलन एलर्जी, और एलर्जिक पोलन ग्रेन्स को कहा जाता है एरो एलर्जेंस। अब जो इसमें सबसे नीट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि पोलन एलर्जीज कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंकाइट्स एज एस्थमा। ये लिख के रखना बेटा, टेक्स्ट में लिखा है कि जो पोलन एलर्जीज होते बेटा, दे कैन कॉज, पोलन एलर्जीज कैन कॉज व्हाट यू कॉल्ड सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। उनसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं ब्रोंकाइट्स, जिसमें आप देखते हैं बेटा ब्रोंकाइट्स के क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स होता है बेटा ब्रोंकाइट्स, या क्रॉनिक एक होता बेटा जिसको हम एस्थमा बोलते बेटा, एस्मा भी बोलते हैं आजकल इसको, या एस्थमा जो आपने सुना होगा। यह टेक्स्ट में लिखा है कि पोलन एलर्जीज कॉज ऑफ सीवियर disorders like bronchitis and asthma। तो ये होता बेटा। दूसरा जो आपको क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, आजकल एक बात मैं बता दूंगा बेटा, जो वेल डेवलप्ड कंट्रीज बेटा, वेस्टर्न जो ममालिक है बेटा, वहां पर पोलन कैलेंडर्स निकलते हैं। पोलन कैलेंडर का मतलब होता है कि वहां जो पॉपुलेशन का एक अच्छा खासा हिस्सा पोलन एलर्जी से बेटा सफर करता है, उनको ये इतला दी जाती है कि फलानी से फलानी टाइम तक आप बाहर नहीं निकले क्योंकि पोलन ग्रेन्स आने वाले हवा में तो एलर्जी हो सकती है, तो पोलन कैलेंडर्स बनते हैं। तो मैंने बोला आपको पोलन एलर्जीज इज द कॉज ऑफ सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक ब्रोंकाइटिस एंड एस्थमा। अब टेक्स्ट में लिखा है कि कौन कौन से प्लांट्स के पोलन ग्रेन जो है वो एलर्जिक है, उस पर बिल्कुल बेटा क्वेश्चन बनेगा, तो वो क्वेश्चन मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा बेटा। चलिए सुन लीजिए बेटा, सुन लीजिए कि किस किस प्लांट का जो पोलन ग्रेन है वो एलर्जिक हो सकता है। नंबर वन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेटा पार्थीनियम। अरे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट प्लांट और टेक्स्ट की एग्जाम्पल है ये, याद रखना पार्थीनियम है। जो पार्थीनियम इज कॉमनली कॉल्ड एज कांग्रेस ग्रॉस, क्योंकि सर ये बीजेपी के साथ नहीं था इसलिए कांग्रेस ग्रॉस कहते हैं बेटा, कांग्रेस ग्रॉस कहते हैं इसको या कैरेट ग्रॉस कहते हैं। तो पहले याद रखो बेटा मेरा, जो पार्थीनियम होता है, पार्थीनियम एक प्लांट है इंडियन फ्लोरा, पार्थीनियम के पोलन ग्रेन जो होते बेटा दे आर हाईली हाईली एलर्जिक। इस पोलन, ये जो पार्थीनियम के बारे में टेक्स्ट एक और बात दिख रही है, कॉमन नेम क्या बोला मैंने बेटा, कांग्रेस ग्रॉस या कैरेट ग्रॉस मैंने बोला। जो पार्थीनियम है इट इज नॉट इंडिजिनस टू द इंडियन फ्लोरा, ये इंडियन फ्लोरा का अपना प्लांट नहीं है, यानी कि इंडिया में यह प्लांट खुद से ग्रो नहीं करता था, इट इज नॉट इंडिजिनस टू इंडिया, बाहर से इंपोर्ट किया गया वीट। आपको पता है बेटा हाई यील्डिंग वैरायटीज की हम बात करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, एक यानी कि बाहर से मंगवाया गया बेटा वीट, वीट कंटामिनेटेड था, फॉरेन से वीट मंगाया गया इंडिया में ड्यूरिंग ग्रीन रेवल्यूशन, उस एरा में ग्रीन रेवल्यूशन के दौरान फॉरेन हाई यील्डिंग वैरायटीज मंगाई गई बेटा वेस्ट से, और वहां से क्या हो गया बेटा कंटामिनेटेड वीट आ गया, यानी कि जो वीट आ गया उसके सीड्स के साथ पार्थीनियम के भी सीड्स थे, और जो पार्थीनियम के सीड्स जो खेतों में आ गया बेटा, तो ये अब पार्थीनियम जो है बेटा, पहले तो आपको ये एक्सोटिक प्लांट है, ये एलियन प्लांट है, अपने फ्लोरा का प्लांट नहीं है, और इसका एक चीज ये है कि बेटा ये बहुत तेज ग्रो करता है, आज पूरी इंडिया में फैला हुआ है पार्थीनियम प्लांट आजकल बहुत। सर आप इतना क्यों डिटेल्स इसके दे रहे हैं, क्योंकि इकोलॉजी में है, मैं एक ही बार करके क्लियर कर चलता हूं बेटा। पार्थीनियम जो है, पार्थीनियम का एक चीज है कि यह ग्रुप्स में ग्रो करता है, यानी कि जहां पार्थीनियम प्लांट्स आप देखेंगे ये बेटा क्या करेंगे ग्रुप्स में ग्रो करते हैं, और पार्थीनियम एक एसिड भी सिक्रीट करता है ट्रांससिनेमिक एसिड, ये बाकी प्लांट्स के ग्रोथ को इनहिबिट करता है, अपने अपने इर्द गिर्द कौन पार्थीनियम किसी को ग्रो नहीं करने देता है, नहीं करने देता है क्योंकि ये ग्रोथ इनहिबिट ये क्या करता है बेटा सिक्रीट ट्रांससिनेमिक एसिड या ट्रांससिनेमोनिक एसिड भी इसको बोलते हैं, तो ये सिक्रीट करता है और ग्रुप्स में ग्रो करता है, और ये इतना फैला है इंडिया में, आजकल पूरी इंडिया में इसका जो है ये यूबिक्विटस है या बेटा ये कॉस्मोपोलिटन है, पूरा फैल चुका है बेटा, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है।
तो ये एक एलियन प्लांट है और एक इनवेसिव प्लांट है, इसका पोलन ग्रेन हाईली हाईली एलर्जिक है, तो ये याद रखना। बाकी जो डिटेल्स मैंने दी वो आपको इकोलॉजी में काम आएगी। चलिए बेटा, टेक्स्ट से वो भी बाहर नहीं था, वो भी टेक्स्ट के लाइन से, लेकिन इकोलॉजी से मैंने ली। चलिए बेटा, पार्थिनियम के बाद, पार्थिनियम के बाद बेटा सर और किसका प्लांट, एम्ब्रोसिया एक प्लांट है बेटा, एम्ब्रोसिया, इसका पोलन ग्रेन हाईली एलर्जिक और ये एक फीवर कॉज करता है बेटा, जिसको हम कहते हैं हे फीवर। प्लीज बेटा, हेइंग सीजन में ये फीवर कॉज करता है, इसको हे फीवर के नाम से जानते हैं, एम्ब्रोसिया, ये याद रखना है बेटा। इसी तरीके से हां, चीनोपोडियम एक प्लांट है, इसका पोलन ग्रेन हाईली एलर्जिक होता है बेटा, चीनोपोडियम। अरे समझ रहे बेटा, चीनोपोडियम के बाद, चीनोपोडियम के बाद बेटा एमरंथस एक प्लांट है, एमरंथस का भी प्लांट जो पोलन ग्रेन है वो भी एलर्जिक है, एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ ग्रासेस, मोस्ट ऑफ द ग्रासेस प्रोड्यूस एलर्जिक पोलन ग्रेन्स एंड पोलन ग्रेन्स ऑफ ग्रासेस। तो बेटा जी, पोलन एलर्जी से आपको क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है, पोलन एलर्जी जो एलर्जिक पोलन ग्रेन्स है उनको एरो एलर्जेंस कहते हैं, ये तो पूछा जा सकता है। हाँ, दूसरा चीज, पोलन एलर्जी से सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर डेवलप होते हैं, एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ये भी टेक्स्ट की लाइन है। तीसरा जो आपको पूछा जाएगा, किस प्लांट का पोलन ग्रेन एलर्जिक है, सबसे कॉमन एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल, पार्थिनियम, एम्ब्रोसिया, चीनोपोडियम, एमरंथस एंड पोलन ग्रेन ऑफ सर्टन ग्रासेस, इसको नोट कर लो बेटा। तो ये हो गया बेटा पोलन एलर्जीज के बारे में। अब पोलन एलर्जीज के बाद नेक्स्ट टेक्स्ट में लिखा है वो है बेटा, दूसरा चीज जो पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड आपको दिया गया है वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा। चलिए, दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलन ग्रेन्स के बारे में वो है, आजकल हम बनाते हैं पोलन टेबलेट्स या पोलन सिरप्स बनाते बेटा, पोलन टेबलेट्स, पोलन टेबलेट्स या पोलन सिरप्स, सिरप्स जिनको यूज किया जाता है बेटा एज फूड सप्लीमेंट। चलिए, इसके भी बारे में ज्यादा तो क्वेश्चन खतरनाक नहीं बनेगा बेटा, लेकिन है टेक्स्ट में, बोलना जरूरी है, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा बेटा। जो पोलन ग्रेन्स है ना, जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, दैट्स अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अरे दोबारा से सुनो, जो साइटोप्लाज्म, सॉरी होता, सॉरी बेटा, जो पोलन ग्रेन का क्या होता है, साइटोप्लाज्म, दैट्स पैक्ड विद द न्यूट्रिएंट्स, दैट्स वेरी रिच इन द न्यूट्रिएंट्स बेटा। इससे जो पोलन ग्रेन्स को क्या किया जाता है, आजकल पोलन ग्रेन्स को लिया जाता है, उनको पाउडर किया जाता है बेटा, पाउडर करने के बाद इनको टेबलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, सिरप्स में। और ये जो पोलन टेबलेट्स या पोलन सिरप्स में, क्या सर इनमें एंटीबायोटिक है? नहीं बेटा, दे आर रिच इन फूड मटेरियल, तो न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं, तो ये फूड सप्लीमेंट्स के तौर से यूज कर सकते हैं। बी पोलन जो है, बी का जो पोलन है, उसको एज फूड सप्लीमेंट यूज किया जा सकता है। और जो फूड सप्लीमेंट जो पोलन टेबलेट से बनते हैं बेटा, वो हम किन किन कहां पर यूज करते हैं, टेक्स्ट में लिखा है, एक तो एथलीट्स उनको यूज करते बेटा, एक तो एथलीट्स उनको यूज करते हैं, जो यानी कि जो फूड सप्लीमेंट्स कहां से बनते हैं, पोलन टेबलेट्स या पोलन सिरप्स जो होते बेटा, एथलीट्स उनको यूज करते बेटा। एक एथलीट था, अगर आपने नाम सुना होगा बेटा, एक एथलीट था बेटा, उसने क्या किया था, चलो वो बाद में बात करेंगे, एक मिनट पहले सुनो, फूड सप्लीमेंट का यूज होता बेटा, कौन करते बेटा, एथलीट्स करते, और रेसिंग हॉर्सेस, रेसिंग हॉर्सेस, जो हॉर्सेस रेस में दौड़ते बेटा, उनको भी यही पोलन सिरप्स पिलाए जाते हैं, पोलन टेबलेट्स खिलाए जाते हैं, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बढ़े। अब मैं टेक्स्ट बुक की एक 10 लाइन बेटा आप तक पहुंचाता हूं। टेक्स्ट बुक की लाइन यह है कि पोलन सप्लीमेंट्स आर यूज्ड बाय द एथलीट्स एंड रेसिंग हॉर्सेस फॉर इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस। तो ये पोलन टेबलेट या पोलन सिरप की बात होगी बेटा। अब एक और चीज पोलन ग्रेन के बारे में टेक्स्ट बुक लिख रही है, वहां तक हम जाएंगे बेटा। पोलन टेबलेट सबको क्लियर हो गया बेटा? रिस्पॉन्स दे दो बेटा, सब लोग को क्लियर हो गया? चलिए बेटा, अब इसके बाद टेक्स्ट ने लिखा है एक और चीज, वो है पोलन बैंक्स।
अब आपके मन में आएगा एक क्वेश्चन, आपके मन में आ सकता है, सर क्या पोलन बैंक जम्मू कश्मीर बैंक के पास होता है या स्टेट बैंक के पास होता है? पोलन बैंक में कौन सी, क्या ये चेकबुक देते हैं, क्या ये एटीएम देते हैं? आप इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे बेटा, आपसे यही एक्सपेक्टेड है। देखो बेटा, पोलन बैंक्स क्या होते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। इसके बारे में टेक्स्ट ने दो लाइंस लिखी है, वो दोनों लाइंस आप तक पहुंचाएंगे बेटा। पोलन बैंक किसको बोलते हैं? शाबाश। पोलन जो हमारे पास कुछ प्लांट्स होते हैं बेटा, कुछ प्लांट्स होते हैं जो इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर होते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या जो एंडेंजर्ड होते हैं। सर ये तो हमें पहले समझाइए वो क्या होता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्योंकि हम तो लॉकडाउन वाले स्टूडेंट्स हैं, हमने ना कभी स्कूल देखा है और ट्यूशन भी कम कम ही देखा है। यानी कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो होते हैं जिनका नेचर में पॉपुलेशन साइज बहुत कम हुआ होगा और जो एक्सटिंक्ट होने के करीब हो, उनको हम, उन स्पीशीज को हम कहते हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज या उनको हम कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ थ्रेट। अब सर यहां तक तो ठीक है, अब हम क्या करते बेटा, आपका, आपने एक सुना होगा आजकल जो होता है बेटा, कंजर्वेशन का एक बड़ा मामला चलता है कि वी शुड कंजर्व बायोडायवर्सिटी, वी शुड कंजर्व आवर फ्लोरा एंड फौना। ये तो बिल्कुल आप सुनते होंगे बेटा, और आपने इकोलॉजी में पढ़ा होगा जो कंजर्वेशन होता है बेटा दो तरीकों से होता है। एक को हम बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरे को हम बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। आपके पास मान लीजिए बेटा, ये प्लीज यार, ये मैं बिल्कुल टेक्स्ट बोलता हूं बेटा, एकदम से टेक्स्ट बोलता हूं, 11th के एक चैप्टर में लिखा होगा, 12th के एक चैप्टर, बट आई एक्सक्लूसिवली टॉक टेक्स्ट बुक, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पोलन जो आपके पास कोई एंडेंजर्ड प्लांट है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्लांट है, लेकिन है बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट, आप चाहते हो कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे, मगर पॉपुलेशन साइज कम है, एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, आप उसका पोलन ग्रेन ले लो बेटा। अरे किसका पोलन ग्रेन लेंगे? उस प्लांट का जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड होंगे, जो क्रिटिकली एंडेंजर होंगे उनको आपने लिया, पोलन ग्रेन्स को आपने लिया, और पोलन ग्रेन्स को आपने प्रिजर्व किया लिक्विड नाइट्रोजन में। अरे आपने पोलन ग्रेन्स ले लिए, पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व किया लिक्विड नाइट्रोजन में, लिक्विड नाइट्रोजन में एट ए टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, इसको कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। अरे दोबारा से बता दूंगा, आपके पास प्लांट क्या था बेटा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट होने का खतरा था उसको, पॉपुलेशन साइज कम था, अब आप चाहते कि ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाया जाए, आपने इससे कलेक्ट क्या कर दिया बेटा जी? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को एक टेस्ट ट्यूब में डाला, टेस्ट ट्यूब में क्या था? लिक्विड नाइट्रोजन प्रिजर्वर, प्रिजर्वेटिव था लिक्विड नाइट्रोजन। मगर ये जो लिक्विड नाइट्रोजन है ये एक बहुत ही कम टेम्परेचर पर होता बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर आप इन पोलन ग्रेन को प्रिजर्व कर सकते सालों साल, और इस तरीके से इस कोल्ड टेम्परेचर में प्रिजर्व करना कहलाता है क्रायो प्रिजर्वेशन। इसको हम बोलते बेटा क्रायो प्रिजर्वेशन। तो यहां पर मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, आप जो प्रिजर्व करके आपने पोलन ग्रेन रखे, क्रायो प्रिजर्वेशन पोलन ग्रेन का किया लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर -196 डिग्री सेल्सियस पर टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, ये एक स्टोरेज बन गया, स्टोर हाउस बन गया, और इसी स्टोर हाउस में क्या आपने रखा बेटा? सोना चांदी रखा? बिल्कुल नहीं, आपने पोलन ग्रेन को स्टोर किया, और ऐसे में इसको कहा जाता है बेटा पोलन बैंक। क्या कहा जाता है बेटा? पोलन बैंक। व्हाट्स पोलन बैंक? प्रिजर्विंग द पोलन ग्रेन्स, प्रिजर्विंग द पोलन ग्रेन इन द लिक्विड नाइट्रोजन एट एन एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन, एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एज क्रायो प्रिजर्वेशन टेम्परेचर, एंड स्टोरेज ऑफ दिस पोलन ग्रेन इन सच वे इज कॉल्ड एज पोलन बैंक। हाँ, अब टेक्स्ट की एक दासो लाइन यहां पर आपको एक बार फिर आपको बेटा दिखा देंगे। सर वो क्या वहां लिखा है कि ये जो पोलन ग्रेन आपने प्रिजर्व किए, दे आर यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, दे आर यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। शाबाश बेटा। सर वो क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स? यानी कि अब कुछ बहुत टाइम चला गया, बहुत टाइम हो गया बेटा, और जो नेचर में ये स्पीशीज एग्जिस्ट कर रही थी ये एक्सटिंक्ट हो गई, इसका नेचर में कोई प्लांट अब बाकी नहीं रहा, आपके पास क्या जमा थी? पोलन ग्रेन। आपने पोलन ग्रेन को निकाला बेटा, यू नो इस पोलन ग्रेन ने प्लांट सेल नॉट, अरे हमारे यूनुस भाई टेक्निकल एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, क्या पोलन ग्रेन प्लांट सेल है? यस या नो लिखो, बस उतना लिखना है बेटा, इज पोलन ग्रेन ए प्लांट सेल? बताइए बेटा यूनुस साहब, आप ये यस लिख रहे कि नो? ओ बिल्कुल बेटा, बहुत ही एहसानमंद रहूंगा आपका, उम्र भर आपका एहसानमंद रहूंगा कि आपने ये कहा कि पोलन प्लांट सेल।
और प्लांट सेल्स के पास एक प्रॉपर्टी होती है, उसको कहती है टॉटिपोटेंसी। क्या कहते हैं बेटा जी? टॉटिपोटेंसी। आपने पोलन ग्रेन निकाला, टेस्ट ट्यूब से निकाला, उसको टिश्यू कल्चर में ग्रो कर गया, कैलस बनाया, कैलस बनाने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हो गई, प्लांट बन गया। और जो प्लांट आपके पास बन गया बेटा, वो बिल्कुल जो प्लांट है उसको आप दोबारा से प्लांट ब्रीडिंग के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। इसीलिए टेक्स्ट ने लिखा है इट्स यूज्ड फॉर पोलन ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। थैंक यू बेटा। तो ये था पोलन बैंक्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट पोलन ग्रेन्स के बारे में लिखा है वो है पोलन वायबिलिटी। चलिए बेटा जी, पोलन वायबिलिटी, आइए एक और चीज आपके साथ डिस्कस किया जाए, पोलन वायबिलिटी। तो पोलन वायबिलिटी की जहां तक बात की जाए, पोलन बन तो गए बेटा जी, अरे कहां बन गए पोलन? अगर आपसे पूछेंगे आप कुछ भी बता सकते बेटा, आप कुछ भी बता सकते। पोलन ग्रेन बन गए एंथर के अंदर, शाबाश। मगर क्या इनका एंथर के अंदर ही रहना मुकद्दर है? क्या इनको हमेशा एंथर के अंदर रखे गए? यार फिर तो डेहिसंस काय को करवाई थी, इनको बाहर जाना पड़ेगा एंथर से। कहां जाना पड़ेगा ये भी तो बता बेटा। इनको जाना पड़ेगा स्टिग्मा के ऊपर बेटा। अरे स्टिग्मा के ऊपर जाकर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे बेटा, पोलन ट्यूब बनाएंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन करेंगे, वही तो है। अब पोलन ग्रेन यहां तो बन गया, कहां? एंथर के अंदर। अब ये बनने के बाद कितनी टाइम के लिए, कितनी ड्यूरेशन के लिए रहेगा वायबल फॉर जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा? इसको कहते हैं बेटा, इस पीरियड को कहते हैं पोलन वायबिलिटी। पोलन वायबिलिटी क्या होता बेटा, लिखे रखिए, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन फॉर विच, फॉर विच पोलन ग्रेन, शाबाश, ड्यूरेशन फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन्स द एबिलिटी, रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। अरे बेटा जी याद कर रहे हैं आप साथ साथ कि नहीं? अरे बिल्कुल, ऑनलाइन टेस्ट होगा बेटा। अरे एक दिन पूछूंगा मैं, सभी पूरा चैप्टर का हिसाब किताब लिया जाएगा आपसे। ऐसा नहीं कि बेटा आप इसको हल्के में ले लो। इधर सुनो क्या कह रहा हूं, पोलन वायबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेशन फॉर विच पोलन ग्रेन रिटेन्स द एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पोलन ग्रेन बनने के बाद कितनी देर तक ये एबिलिटी अपने आप में रखेगा कि ये जर्मिनेट कर सकता है, इस पीरियड को, उस ड्यूरेशन को हम कहते हैं बेटा पोलन वायबिलिटी। मैं आपको एक चीज कहूंगा बेटा, मान लीजिए जनवरी में, मान लीजिए एग्जाम्पल है बेटा, एम्बिग्यूस हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ऐसा कोई रियलिटी नहीं है। जनवरी में एंथर में क्या बना? पोलन ग्रेन बना बेटा। मगर ये दिसंबर में पहुंचता है स्टिग्मा पर, शिमेन पर विचार ले जी पाऊं मैं। अब ये दिसंबर में क्या पहुंचा, कहां? स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा। मगर इस पीरियड के लिए इसने लॉस किया होगा एबिलिटी टू जर्मिनेट। अब इसका स्टिग्मा पर पहुंचना ना पहुंचना एक ही बात है, क्योंकि अब ये जर्मिनेट ही नहीं कर पाएगा, पोलन ट्यूब ही नहीं बना पाएगा। यानी कि पोलन ग्रेन बनने के बाद एक स्पेसिफिक टाइम तक यह एबिलिटी रखता है कि पोलन ग्रेन पर जाकर वो, सॉरी, स्टिग्मा पर जाके वो जर्मिनेट करे। अब ये पोलन वायबिलिटी जो है ये वैरी करती है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। पोलन वायबिलिटी वैरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। अगर हम राइस, टेक्स्ट में लिखा है, अगर हम राइस एंड वीट की एग्जांपल की बात करेंगे, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बेटा, इनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं राइस और वीट के, दे रिमेन वायबल फॉर ओनली 30 मिनट्स। अरे जो राइस का पोलन ग्रेन होता है, जो वीट का पोलन ग्रेन होता है बेटा जी, 30 मिनट के अंदर अंदर अगर एंथर से कहां पहुंचा, स्टिग्मा पर जर्मिनेट करेगा। अगर एक घंटे के बाद पहुंचा, अरे पहुंचना ना पहुंचना की बात होगी, ये बहुत कम टाइम के लिए रिटेन करता है क्या एबिलिटी टू जर्मिनेट। और लेकिन नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म रखा है ये आधे घंटे के अंदर पहुंचते बेटा, ऐसा नहीं कि ये पहुंच ही नहीं पाते, पहुंच पाते बेटा। तो जो पोलन वायबिलिटी होता है राइस और वीट का, वो केवल और केवल होता है बेटा 30 मिनट्स का। लेकिन टेक्स्ट ने एक और एग्जांपल यहां पर लिखी है, राइस और वीट की तो मैंने बता दी ही बेटा। अब मैं एक और बात, एक ही एक और इंपॉर्टेंट बात कहूंगा बेटा, RSL, रसल। अरे एंड्रयू रसल तो प्लेयर है ना, अरे एंड्रयू रसल प्लेयर है ना, किस टीम का प्लेयर है एंड्रयू रसल, जरा इसका जवाब दीजिए। अरे वेस्ट इंडीज का प्लेयर है। चलिए रसल याद रखिए, रोजेसी, रोजेसी, सोलिनेसी, अरे सोलिनेसी आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है टैक्सोनॉमी में, सोलिनेसी एंड लिग्यूमिनेसी, याद रखना बेटा लिग्यूमिनेसी। ये तीन प्लांट फैमिलीज जो है, रोजेसी
अरे रोजे ची, रोजा, रोजा इंडिका, रोज या जो भी आपके हैं एप्पल ट्री वगैरह, वो सब रोजेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। लिग्यूमिनेसी तो पता है फैबेसी फैमिली जो है बेटा, जो जिसमें पल्सिस वगैरह आते हैं। सोलिनेसी हो गया वही बेटा आलू जिसमें आता है, जिसमें बेटा एग प्लांट आता है, ब्रिंजल वगैरह आता है, रोज सोलिनेसी होगी। तो इनके जो पोलन ग्रेन्स है, इनके पोलन ग्रेन्स जो है दे रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ्स। रसल के जो पोलन ग्रेन्स है दे रिमेन वायबल फॉर सेवरल मंथ्स, वो महीनों भर वायबल रहते हैं। यानी कि अगर महीनों के बाद भी वो कहां पर पहुंचते बेटा, स्टिग्मा के ऊपर पहुंचते, तब भी उन्होंने रिटेन की होगी एबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। तो ये वैरी करता है। और एक टेक्स्ट की लाइन जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं, टेक्स्ट बुक लिख रही है कि ये जो पोलन वायबिलिटी है, एक तो ये पोलन ग्रेन के जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है, एक तो इंटरनल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि पोलन ग्रेन किस प्लांट से आया, प्लांट की जेनेटिक्स कैसी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये लिख रहा है कि पोलन वायबिलिटी इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन, यार टेक्स्ट की लाइन है नोट कर लो, पोलन वायबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये भी टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रख लेना बेटा कि जो पोलन वायबिलिटी है इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, और एक्सटर्नल फैक्टर कौन कौन सा है बेटा, वो है टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। तो मेरे बेटा जी ये था आज का लेक्चर, जिस लेक्चर को हमने बेटा आपको पढ़ाया, लेकिन उसका मैं अपने यून साहब से कहूंगा कि दो मिनट वो मुझे और दिए ताकि मैं पूरा ये लेक्चर रिकैप्चुलेट कर पाऊं। बेटा रिकैप्चुलेशन की बारी है बेटा, बेटा एक्साइन, हाँ प्लीज आप रेस्पॉन्स नोट कर लीजिए भाई प्लीज। तो मैं यहां से बोलूंगा बेटा, जो पोलन ग्रेन का वॉल होता है कितनी वॉल लेयर्स का बना होता है बेटा, एक की दो वॉल लेयर्स का बना होता है बेटा। एक आउटर वॉल लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्साइन। इनर वॉल को क्या बोलते हैं, इंटाइन। आपसे क्वेश्चन, एक्साइन किस चीज का बना होता है, शाबाश जल्दी जल्दी बेटा, एक्साइन किस चीज का बना होता है प्लीज। एक्साइन बना होता है स्पोरोपोलिनिन का, यस एक्साइन बना होगा स्पोरोपोलिनिन का बेटा। स्पोरोपोलिनिन रेजिस्टेंट मटेरियल है, रेजिस्टेंट टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स, अल्कलीज, समझ रहे बेटा, यूवीरियस टेम्परेचर प्रेशर, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नो एंजाइम कैन डिग्रेड, अरे समझ रहे बेटा। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड इन द फॉसिल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, शाबाश शाबाश, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। एक और चीज मैंने बोला था बेटा, ये जो एक्साइन होता है क्या ये कंटिन्यूस होता है, डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस होता है। इसमें पोर्स होते, ओपनिंग्स होते बेटा, उन ओपनिंग्स को जर्म पोर्स कहते हैं या कॉलपी कहते हैं। मोनोकॉट्स के पोलन ग्रेन में एक ओपनिंग होती है तो मोनोकॉल्पेट बोलते हैं, डाइकॉट्स के पोलन ग्रेन में तीन कॉलपी होते हैं, ट्राइकॉल्पेट पोलन ग्रेन कहा जाता है। अब आइए इंटाइन की बातें करते बेटा, इंटाइन थिन होता है, सॉफ्ट होता है बेटा, फ्लेक्सिबल होता है, पैक्टिन और सेलुलोज का बना होता है या पैक्टोसेलुलोज का बना होता है बेटा जी, ये भी हमने आपको बोला। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बाद हमने बातें को बेटा कुछ की डहिसंस की। डहिसंस में बेटा जी आप एक ही चीज कंफ्यूज बिल्कुल अपने आप को मत कर लीजिए बेटा, जो एंडोथीशियम है फाइब्रस लेयर उसका काम होता है डहिसंस कराना। इंशाल्लाह ऑफलाइन में रिज्यूम होगा, बिल्कुल एक बार फिर मैं आपको वो समझाऊंगा कि कैसे वो डहिसंस में रोल प्ले करता है। अभी याद रखो डहिसंस में रोल, पर जहां पर एंटर रप्चर होता है बेटा उसको सिटोमियम कहते हैं, तो सिटोमियम उस रीजन को कहते हैं बेटा। उसके बाद मैंने आपको बोला बेटा, उसके बाद पोलन ग्रेन्स के रिलेटेड कुछ टर्म्स थी, पोलन एलर्जी, पार्थिनियम सबसे बढ़िया एग्जांपल, चिनोपोडियम, एम्ब्रोसिया, ग्रासेस के पोलन ग्रेन्स एलर्जिक होते हैं, और एलर्जिक पोलन ग्रेन्स को एरो एलर्जेंस के नाम से जाना जाता बेटा। पोलन एलर्जी से क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते बेटा, ब्रोंकाइटिस होता बेटा, एस्थमा होता बेटा। उसके बाद मैंने बोला पोलन सप्लीमेंट्स, पोलन सप्लीमेंट्स में बोला पोलन टेबलेट्स हम बनाते हैं, पोलन सिरप्स बनाते हैं, यूज कौन करते बेटा, एथलीट्स यूज करते बेटा, एथलीट्स के साथ साथ रेसिंग हॉर्सेस को भी दिया जाता है ताकि वो रेस में तेज तेज दौड़े बेटा। उसके बाद पोलन क्रीम्स बनाए जाते हैं, वो मैं भूल गया था बताना, यहां पर बता रहा हूं बेटा, पोलन ग्रेन से क्रीम्स भी बनाए जाते हैं, पोलन क्रीम्स जो एथलीट्स यूज करते हैं। आपने बिल्कुल एक क्रिकेट मैच में देखा होगा कि प्लेयर हमारा एक उमर अकमल था जो कभी कोई रन नहीं बनाना था, लेकिन यहां से वो व्हाइट क्रीम लगी होती थी, वो पोलन क्रीम होती है, क्योंकि पोलन क्रीम से यूवी रेजिस्टेंस आती है बेटा, यूवी रेज को अंदर स्किन में नहीं जाने देती है। उसके बाद हमने बोला बेटा पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी क्या होता है, ड्यूरेशन फॉर विच पोलन ग्रेन्स रिमेन वायबल फॉर जर्मिनेशन ऑन द स्टिग्मा, इट वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। राइस और वीट का पोलन ग्रेन 30 मिनट के लिए वायबल रहता बेटा, रसल का पोलन ग्रेन बेटा, रोजेसी, सोलिनेसी, लिग्यूमिनेसी का पोलन ग्रेन जो है वो वायबल रहता है बेटा फॉर सेवरल मंथ्स, और वो डिपेंड होता है ऑन सेवरल एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेंपरेचर एंड ह्यूमिडिटी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, लव यू ऑल बेटा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखो, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ जुड़ते हैं, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।